भी होगा ठीक है, ये बीएससी और बीएस की क्लासेस के लिए, जैसा कि मैंने कहा था संडे की संडे आएगा। तो आज हम लोगों ने जो न्यूट्रिशन स्टार्ट की है उसी का पढ़ना, पिछली दफा हमने हाइपरबोरिक वगैरह पढ़ा था, आज हमारा जो टॉपिक है वो होगा फ्लूइड फीडर ठीक है। तो उसे स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को दूसरा रोजा ठीक है बहुत मुबारक हो, हैप्पी रमजान। तो स्टार्ट करते हैं आज हमारा जो फ्लूइड फीडर है ठीक है, फ्लूइड से नाम से क्लियर है कि आज जो हमने पढ़ना है वो ऐसे एनिमल्स के मुताबिक पढ़ेंगे जो अपनी खुराक फ्लूइड के फॉर्म में लेते हैं, पानी मायात ठीक है लिक्विड इनको पीते हैं, उन पर गुजारा करते हैं, उन्हें हम लोग फ्लूइड फीडर कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी ठीक है, फ्लूइड फीडर ऐसे एनिमल जैसा कि नाम से क्लियर है जो फ्लूइड के ऊपर न्यूट्रिशन लेते हैं ठीक है, फ्लूइड मायात लिक्विड की फॉर्म में जो चीजें होंगी उन्हें खुराक के तौर पर खाते हैं, ऐसे एनिमल्स को आप लोग कहते हैं फ्लूइड फीडर। द एनिमल्स विच फीड ऑन बायोलॉजिकल फ्लूइड विच फीड ऑन बॉडी फ्लूइड ऑफ अदर एनिमल्स जो दूसरे जानवरों के जिस्म से फ्लूइड लेते हैं उन्हें अपने खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग कहते हैं फ्लूइड फीडर। तो डेफिनेशन की तरफ आते हैं, द एनिमल्स, क्योंकि पहले क्लियर कर दी जाए हम लोग जूलॉजिकल ऐसे पढ़ रहे हैं, सो द एनिमल दैट फीड ऑन बायोलॉजिकल सॉरी बॉडी फ्लूइड आर कॉल्ड फ्लूइड फीडर। वो एनिमल जो बॉडी फ्लूइड के ऊपर खुराक लेते हैं उन्हें आप फ्लूइड फीडर कहते हैं। अभी जो बायोलॉजिकल फ्लूइड का वर्ड यूज होता है ये बेसिकली बॉडी फ्लूइड के लिए इस्तेमाल होता है ठीक है, एक जानदार की बॉडी के जो फ्लूइड होते हैं एनिमल के लिए ऐसे कहे तो उसे आप लोग बायोलॉजिकल फ्लूइड कहते हैं। और ये जो फ्लूइड फिल्टर होते हैं मोस्ट कॉमनली जिस बॉडी फ्लूइड के ऊपर न्यूट्रिशन लेते हैं वो है ब्लड। हमारी बॉडी फ्लूइड में जो सबसे कॉमन फ्लूइड है जो दूसरे पैरासाइट्स या फ्लूइड फीडर एज अ फूड यूज करते हैं वो है ब्लड ठीक है। तो वो एनिमल जो हमारे बायोलॉजिकल फ्लूइड या ब्लड के ऊपर न्यूट्रिशन लेते हैं उन्हें हम लोग क्या नाम लेते हैं, फ्लूइड फीडर कहते होते हैं। ये सिर्फ पैरासाइट के लिहाज से कहा जा रहा है ठीक है। अब आगे वही बात, जो फ्लूइड फीडर होती है इसकी दो कैटेगरीज है, नंबर वन है जी पैरासाइटिक फ्लूइड फीडर और नंबर टू नॉन पैरासाइटिक फ्लूइड फीडर ठीक है। पैरासाइट ये आप लोग जानते हैं जी, पैरासाइट ठीक है जी ऐसा जानवर होता है या जानदार जो किसी दूसरे जानवर या जानदार से खुराक लेता है, शेल्टर लेता है, प्रोटेक्शन लेता है और बदले में उसे नुकसान देते, ऐसे जानवर को आप लोग पैरासाइट कहते हैं। तो पैरासाइटिक फ्लूइड फीडर कौन से होंगे, ऐसे जानवर जो किसी दूसरे की बॉडी से फ्लूइड को खींचते हैं और बदले में उन्हें कोई ना कोई नुकसान देते हैं, ऐसे फ्लूइड फीडर पैरासाइटिक फ्लूइड फीडर के रहेंगे। और इनकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं जी, सो द एनिमल दैट फीड ऑन बायोलॉजिकल फ्लूइड, वो एनिमल जो बायोलॉजिकल फ्लूइड के ऊपर फीड करेंगे किन के जी, अदर एनिमल्स के ठीक है जी, ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों से क्या लेंगे फ्लूइड लेंगे, उनका बॉडी फ्लूइड लेंगे, नॉर्मली ब्लड लेंगे, उस पर अपनी खुराक लेंगे एंड इन रिटर्न और बदले में उन्हें फायदा नहीं देंगे बल्कि क्या करेंगे हार्म देम, वो उन्हें नुकसान देंगे, ऐसे जानवरों को जो दूसरे जानवरों के बायोलॉजिकल फ्लूइड के ऊपर खुराक लेते हैं और खुराक लेने के बाद उन्हें नुकसान देते हैं, ऐसे जानवरों को हम लोग कहते हैं पैरासाइटिक फ्लूइड फीडर ठीक है। अब इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, पहले हम इनवर्टिब्रेट के लिए ऐसे पढ़ेंगे फिर वर्टिब्रेट के लिए ऐसे। तो इनवर्टिब्रेट में सबसे कॉमन जो आती है वो है जी हमारे पास नीमाटोड्स, सारे नहीं ठीक है जी, कुछ नीमाटोड क्या है वो ह्यूमन पैरासाइट है, कुछ नीमाटोड ह्यूमन पैरासाइट है यानी कि इंसान से खुराक लेते हैं और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिहाज से वो कुछ नीमाटोड जो ह्यूमन पैरासाइट है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिहाज से फ्लूइड फीडर है ठीक है, यानी कि वो इंसान के जिस्म के अंदर या बाहर से खुराक लेंगे फ्लूइड की फॉर्म में, हमारे ब्लड या हमारी बॉडी फ्लूइड को खुराक के तौर पर खींचेंगे अपने जिस्म में, ऐसे नीमाटोड्स ठीक है जी वो पैरासाइटिक फ्लूइड फीडर के रहते हैं। अब इसकी फ्लूइड फीडर्स की बहुत सी डिफरेंट टाइप्स होती है ठीक है जी, जो पैरासाइट होते हैं अब हमें पता है कि हर जानदार की माउथ पार्ट के अंदर उसकी नीड के लिहाज से अडेप्टेशन है, हर्पी वो रहे तो उनकी डेंटेशन हमने पढ़ ली, कार्नी वो रहे तो उनकी डेंटेशन पढ़ ली, इसी तरह जो नीमाटोड्स होंगे फ्लूइड फीडर ह्यूमन के अंदर इनके माउथ में डिफरेंट अडेप्टेशन आई होगी, कुछ का माउथ बाइटिंग के लिए अडेप्टेड होगा कि वो काट के अपनी खुराक लेगा ठीक है, कुछ का जो होगा रेस्पिंग माउथ होगा यानी कि उसके मुंह या जुबान टंग के अंदर इस तरह की अडेप्टेशन होगी कि वो खुरचेगा, रेस्पिंग टंग उनकी हो सकती है, रेस्पिंग अडेप्टेशन माउथ में होगी, और कुछ क्या होगा कि उसका माउथ होगा वो जो सकिंग के लिए अडेप्टेड होगा।
तो ये मुख्तलिफ स्पीशीज जो रिमेटोड की है उसके अंदर मुख्तलिफ है, किसी में बाइटिंग माउथ है, किसी में रेस्टिंग माउथ है, किसी में सकिंग माउथ है, तो ये उस स्पीशीज टू स्पीशीज वैरी करेगी। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो हम इनवर्टिब्रेट पढ़ रहे हैं पैरासाइटिक फ्लूइड फिल्टर में, वो है इंसेक्ट। ठीक है, इंसेक्ट सबसे ज्यादा हमें पता है कि बायोडायवर्सिटी में सबसे ज्यादा इनकी तादाद है, और जो इंसेक्ट्स होते हैं ठीक है, ये एंडोपैरासाइट भी हो सकते हैं, ये एक्टोपैरासाइट भी हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्टोपैरासाइट की बात करते हैं, तो एक्टोपैरासाइट में लीचिस, ठीक है लीचिस, उसके बाद टिक्स और मॉस्किटो। ठीक है, लीचिस, टिक्स और मॉस्किटो, ये तीन इंसेक्ट हैं जो एज अ एक्टोपैरासाइट काम करते हैं। ये अपनी खुराक दूसरे जानवरों से लेके, लेकिन उनके जिस्म के अंदर नहीं जाते, उनके जिस्म के बाहर से ही नॉर्मली स्किन से, बल्कि नॉर्मली नहीं, हमेशा स्किन से ही ये फ्लूइड को लेंगे। किस तरह? हमारी स्किन को रक्चर करके, या कोई अपनी बॉडी का मुंह का स्ट्रक्चर हमारी स्किन के जरिए पास आउट करके हमारी वेन्स तक, हमारी आर्टरीज तक लेके जाएंगे। तो लीचिस, टिक्स और जो मॉस्किटो है, ये क्या होते हैं, ये एक्टोपैरासाइट के तौर पर काम करते हैं। ठीक है जी, और इन सब का माउथ डिफरेंट होता है, जैसे कि लीची का ये है सकिंग माउथ। ठीक है, उसके बाद मॉस्किटो की बात की जाए, इसका जो माउथ होता है लीबियम और लैब्रम, ठीक है ये लॉन्ग होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, इसको हम लोग स्टाइलेट कहते हैं। ये ठीक है जी, इसका चूंच जो मुंह होता है वो हॉलो होता है, ये उसको हमारी बॉडी में घुसा देता है स्टाइलेट को, और फिर वहां से ब्लड सक करता है। और हमें पता है कि जब ये ब्लड सक करता है, उससे पहले ये अपना स्लाइवा हमारे ब्लड में डालता है, तो अगर ये मॉस्किटो इन्फेक्टेड है तो हमें मलेरिया, डेंगी, इस तरह के जो इन्फेक्टेड डिजीजेज हैं, जो कि जिसका सोर्स, जिसका वेक्टर मॉस्किटो है, वो हो सकती है। टिक की बात की जाए तो मे बी खत्म कहा जाता है, इसका बाइटिंग माउथ होता है। ठीक है, और लीचिस का तो सकिंग हमने पढ़ ली है। दैन उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं, वो है हमारे पास एंडोपैरासाइट। ठीक है, ऐसे जानवर जो हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे, उनसे खुराक लेंगे, बदले में नुकसान देंगे, ऐसे जानवरों को हम एंडोपैरासाइट कहते हैं। इंसेक्ट या इनवर्टिब्रेट की बात की जाए तो ये राउंड वर्म है, लिवर फ्लूक है, टैप वर्म है, एस्क्रीज। ठीक है, एस्क्रीज अक्सर नॉर्मली जो बच्चे मट्टी खाते हैं, तो वो उनके इस एस्क्रीज के अंडे भी मट्टी के साथ अपने जिस्म में ले जाते हैं, और फिर वो उनके पेट में जब ग्रो करते हैं तो फिर पेट से खुराक लेते हैं, उसकी दीवार डैमेज करते हैं। ठीक है, तो ये उसकी टाइप कहती है। तो ये जितने भी जानवर होते हैं, ठीक है, इनवर्टिब्रेट हैं, ये बॉडी के अंदर जाके मोस्टली खुराक लेते हैं, इसलिए इन्हें एंडोपैरासाइट कहा जाता है। अब ये दो तो थे इनवर्टिब्रेट, कुछ वर्टिब्रेट पैरासाइट भी होते हैं, तो उसकी बात करते हैं। जैसा कि लैम्प्रे, ये हमारा थर्ड पैरासाइटिक है फ्लूइड फिल्टर में। लैम्प्रे कह रही है मरीन फिश है। ठीक है, ये मरीन फिश है, मछली है। अच्छा जी, अब ये जो लैम्प्रे होती है, इसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए ऐसे, सबसे पहले हम लोग एडेप्टेशन की बात करते हैं, फिर मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो एडेप्टेशन में ये तीन चीजें आती हैं, कौन कौन सी? पहला, जो इसका फनल लाइक माउथ होता है। ठीक है जी, जो लैम्प्रे, इसका माउथ फनल की तरह होता है, और इसके माउथ के सबसे आगे की तरफ, इसका माउथ के सबसे आगे की तरफ काइटन टीथ में कवर किया होता है, चारों तरफ काइटन टीथ होते हैं। और कितने? नॉर्म अप टू 200 या उससे ज्यादा छोटे छोटे पॉइंटेड काइटन के टीथ होते हैं, जो इसके मुंह के इर्द गिर्द लगे होते हैं, और ये पकड़ने के लिए कि ताकि जब ये बाइट करे तो उसी के साथ चिपक के रह जाए जिस जानवर को उसने बाइट किया। और इसकी टंग वो होती है रेस्टिंग, ठीक है जी, खुरदरी होती है, ताकि वो उसकी स्किन को छील सके, खुरच सके। अब ये थी इसकी एज अ पैरासाइट मॉडिफिकेशन इन माउथ। एक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, ये लैम्प्रे जाके बाइट करती है, ठीक है, जिस भी जानवर से इसने ब्लड चूसना है, और उसके उसने हिस्से को टियर कर देती है, फाड़ देती है माउथ, उसने हिस्से को, जब से बात उसने जाएगा डैमेज करना है तो उतने हिस्से को क्या करेगी, ये अलहदा कर देगी। और जब ये उसके साथ जुड़ी होती है जानवर की स्किन के साथ, तो इसकी रेस्टिंग टीथ की उस स्किन के ऊपर फेर रही होती है, जिसकी वजह से टीथ के देर फिक्स हो जाती है, और अपनी रेस्टिंग टीथ को उसकी स्किन के ऊपर मूव आउट करती है, उसके ऊपर से गुजारती है, जिसकी वजह से वो जगह छिल जाती है और उसमें से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, और फिर ये क्या करती है, उस ब्लड को सक कर लेती है। तो जब हम जानदार को, ठीक है जी, जिसके साथ ने ब्लड, जब भी उसमें से उतरती है, उसके जितना ब्लड लेना था, पीना था, पी ली, उतरती है, तो वहां पे जख्म रह जाता है, जो बताता है कि इस जानदार के यहाँ पे लैम्प्रे मौजूद थी, अराउंड सर्कल का फॉर्म में, सर्कल की शेप में जख्म होता है। तो ये लैम्प्रे जो है, एक ये है जो आप कह सकते हैं कि वर्टिब्रेट में आती है, और एज अ पैरासाइट फ्लूइड फिल्टर। दूसरे नंबर पे
ठीक है जी, वैम्पायर बैट। अब वर्टिब्रेट की तो हमने बात की जिनके कमर की हड्डी होती है, लेकिन मैमल्स में ज्यादातर आपको पैरासाइट नहीं मिलते, लेकिन ये जो वैम्पायर बैट है ये पैरासाइट है और मैमल है। ठीक है, वैम्पायर बैट क्या होता है, इसको जो साइंटिफिक हमने यहाँ पे पढ़ना हुआ डेस्मोडस है, ठीक है, जो कि हमें अराउंड द वर्ल्ड नॉर्मली नहीं मिलता। सबसे ज्यादा जो तादाद इसकी है, सबसे ज्यादा जो इसके इन्फेक्टेड विक्टम्स आते हैं वो हमें अमेरिका में मिलते हैं, और पूरे अमेरिका में भी साउथ और सेंट्रल अमेरिका, ठीक है, साउथ और सेंट्रल यूएसए के अंदर ये मोस्ट कॉमनली पाया जाता है, ऐसे कह सकते हम लोग, और सबसे ज्यादा विक्टम उसके वहां पे। अब ये करता क्या है, तो इसके जो फ्रंट वाले आगे की तरफ दो टीथ होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं, ठीक है जी, जिस तरह के हम लोग ड्रैकुला वगैरह फिल्म में हम लोग देखते हैं, तो जो फ्रंट वाले टीथ है पॉइंटेड है, टीथ के लिए स्किन के अंदर दो होल कर देता है जब बाइट करता है, ठीक है, जैसा कि सांप जब बाइट करता है वहां पर दो सुराख बन जाते हैं होल, तो ये अपने फ्रंट टीथों के जरिए वहां पे सुराख करता है, और जब सुराख से या अपने दांत निकाल देता है, जाहिर सी बात है जख्म हुआ तो वहां से ब्लड निकलेगा, तो उस स्किन से जिस भी एनिमल, चाहे ये गाय के साथ इसने किया, घोड़े के साथ, ये कैमल के साथ किया, तो जब ये अपने दांत गड़ाने के बाद निकालता है तो ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, तो बाद में ये करता है ये उस ब्लड को लैप करता है, चाटना शुरू कर देता है अपनी टांग की मदद से। इस तरह ये जो वैम्पायर बैट होता है ये भी एज अ पैरासाइटिक फ्लूइड फीडर काम करता है। ठीक है, यहां तक हमारे जो एक टॉपिक था वो कवर होता है, पैरासाइटिक फ्लूइड फीडर। आगे जो दूसरे नंबर पे है, कुछ जानवर ऐसे जो फ्लूइड फीडर है, फ्लूइड से खुराक लेते हैं लेकिन वो पैरासाइट नहीं है, ठीक है, उनकी खुराक लेने से डायरेक्टली इतना नुकसान नहीं होता, इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत हो सकता है कुछ कंडीशन में, और ये नॉर्मली प्लांट में होते हैं। जो नॉन पैरासाइटिक फ्लूइड फीडर है इसमें सबसे पहले आते हैं बर्ड्स, अब इसकी भी दो टाइप्स होंगी, लॉन्ग बिल जिसकी लंबी चोंच कह सकते हैं, और शॉर्ट बिल जिनकी छोटी चोंच है। लॉन्ग बिल की बात करते हैं तो ऐसे बर्ड जिनकी बिल काफी लॉन्ग होती है, नॉर्मली वो हॉलो होती है, ठीक है जी, वो क्या होती है, हॉलो होती है, और ये नेक्टर टेक आउट करने वाले बर्ड्स होते हैं, नेक्टर लेते हैं, ठीक है, शहद की बनाने में काम आता है, उसे नेक्टर कहते हैं, जो फूलों का रस कहा जाता है। अब ये क्या करते हैं, ये एक फर्ज करें फूल है तो उसके आगे सीधा उसके अंदर अपनी चूंच डालते हैं और नेक्टर को खींचते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, अपनी जो टेक करते हैं नेक्टर बाय इंसर्टिंग इट्स बीक इनटू फ्लावर, ठीक है, फूल इस तरह खिला हुआ तो उसके अंदर अपना नेक्टर सॉरी अपनी बीक ये अंदर डालेंगे और खींच लेंगे। अब आते हैं ये दूसरे बर्ड जो कि शॉर्ट बिल है, तो इनकी जो बीक होती है वो छोटी लेकिन काफी तेज होती है आगे से, जिस तरह कील की नोक नहीं होती कि गट जाने वाली, तो ये क्या करते हैं, ये अब छोटी बीक है तो ये फ्लावर के अंदर से तो नेक्टर नहीं ले सकेंगे, तो इनके पास एक दूसरा मैकेनिज्म होता है, ये क्या करते हैं, ये फ्लावर के नीचे, ये फर्स्ट करें फूल है तो उसके नीचे बेस पे आके अपनी बीक के जरिए होल करते हैं, ठीक है, और जब वो होल हो जाता है तो उसमें से ज्यादा से बाद नेक्टर या जो भी उसका रस निकलेगा बाद में इसे सक कर सकते हैं, लैप कर सकते हैं, ये इनकी माउथ की एडेप्टेशन पर डिपेंड करता है। और आखिरी जो हमारा है वो भी बैट है, ठीक है, वैम्पायर बैट तो फ्लूइड फीडर होते हैं, कुछ बैट्स होते हैं वो प्लांट या नेक्टर के ऊपर फीड करते हैं, तो ऐसे जो बैट्स होते हैं जो नेक्टर पे फीड करते हैं उनके जो डेंटेशन है वो रिड्यूस हो चुकी होती है, मैं ये नहीं कहा खत्म हो चुकी होती है, रिड्यूस हो चुकी होती है, जितने पॉइंटेड इनके दांत होते हैं वो नेक्टर फीडिंग बैट के नहीं होते, नंबर वन, इनके फ्रंट वाले जो दो दांत है वो काफी पॉइंटेड और बड़े होते हैं, उनके ऐसे नहीं होते। इनकी जो टांग होती है वो रेस्टिंग के साथ साथ लैपिंग के लिए अडेप्टेड होती है, इनकी टांग भी लैपिंग करती है, ठीक है, तो इनकी तरफ आते हैं तो इनकी क्योंकि डेंटेशन रिड्यूस हो चुकी होती है, इनकी टंग काफी लंबी होती है, इनके मुकाबले ये उस टंग को सीधा फ्लावर के अंदर धंसाते हैं और उसमें से नेक्टर को चूसना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह ये जो बैट हैं जो कि नॉन पैरासाइटिक फ्लूइड फीडर वाले बैट होंगे, ये अपनी फीडिंग इस तरह। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, ठीक है जी, फ्लूइड फीडर। इससे अगली वीडियो में हम लोगों ने डाइजेशन पढ़नी है, प्रोटोजोआ और बाइवाल्व्स के अंदर डाइजेशन की बात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।